हाय गाइस, वेलकम टू आर्ट ट्यूब। इन टुडेज वीडियो मैं बताऊंगी वाटर कलर कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूं। ड्रॉ करने के बाद मैं नीडेड इरेजर से उसे डैप करके इरेज कर रही हूँ एक्स्ट्रा ग्रेफाइट, सो इट वॉन्ट बी सी थ्रू। यहाँ पे मैं दो टिश्यू पेपर यूज करूंगी, एक जिससे ब्रश को क्लीन करती रहूँ एंड दूसरा एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। आप क्लोथ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगी कैमल आर्टिस्ट वाटर कलर और सबसे पहले मैं ये वाला कलर यूज कर रही हूँ, लेमन येलो। तो जब भी आप वाटर कलर करें स्टार्ट हमेशा लाइटर टोन से करें, उसके बाद धीरे धीरे आप डार्कर टोन पे जाए। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि कैसे लेयर बाय लेयर आप डार्कर टोन पे जाए। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पानी ज़्यादा यूज़ किया, कलर कम यूज़ किया। अब मैं गैम्बेज येलो कलर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहले वाले येलो से ज्यादा डार्कर है और पिगमेंटेड है। यहाँ पे मैं अभी यूज करूंगी सैप ग्रीन और इसे येलो कलर से थोड़ा मिक्स करके जहां भी मुझे जरूरत लग रहा है वहां वहां मैं इसे अप्लाई कर दे रही हूँ। और जहां भी अगर ज्यादा हो जाए टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन के क्लॉथ से उसे डैप करके निकाल सकते हैं। यहाँ मैं क्लोथ के हेल्प से एक्स्ट्रा कलर को एब्जॉर्ब कर ली ताकि मुझे अच्छा सा एक हाईलाइट मिल जाए। यहाँ मैं यूज कर रही हूँ येलो ऑकर। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप डार्कर टोन पे जाना है। For more darker tone, I'm using burnt sienna और थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग दूंगी। अब मैं ब्लैक कलर लूंगी। ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन के साथ मिक्स करूंगी। आपको एकदम से ब्लैक कलर नहीं यूज करना चाहिए, उससे रियलिस्टिक फील नहीं आएगा। धीरे धीरे आपको ब्लैक कलर पे जाना है।
और शेडो के लिए मैं सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ले रही हूँ आउटलाइन, जिसे मैं बाद में फॉलो करूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट आई प्रिफर कि पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर ले। बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग हार्श एज शेडो। सो माई बनाना इज ऑलमोस्ट रेडी। अब बस बारी है डक्ट टेप की। तो डक्ट टेप का जहाँ जहाँ भी मुझे हाईलाइट्स दिख रहा है, मैं पेंसिल से उसे पहले ड्रॉ कर लूँगी। नाउ टाइम टू चेंज द वाटर। यहाँ पे मैं वाइट और ब्लैक कलर को फिक्स करूँगी ताकि मुझे ग्रे कलर मिल जाए। जहाँ भी हाइलाइट्स है मैं वहाँ पे कलर नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी वही चीज करना है, लेयर पे काम करना है। ये आर्टवर्क एक इटालियन आर्टिस्ट माउरिजियो कैटेलान ने बनाया था। इन्होंने जस्ट एक बनाना को डक्ट टेप के थ्रू स्टिक कर दिया था वॉल पे और इसका टाइटल दिया था कमेडियन। ये आर्ट फेस्टिवल हुआ था मियामी में और ये आर्टवर्क सोल्ड हुआ था $120,000 में। तो मैं ये रिक्रिएट कर रही हूँ बट डिफरेंट मीडियम। मैं यहाँ पे वाटर कलर से की। I hope you guys enjoyed this video and found this video helpful. And if you liked this video, please hit the like button and do subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, bye-bye.